आर्थिक तंगी से हैं परेशान तो शुक्रवार के दिन अनिवार्य इनमें से कोई एक उपाय बढ़ेगा अपार धन। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अति शुभ माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जाने शुक्रवार को धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय। हिंदू धर्म में सातवें दिन किसी न किसी देवी देवता का दिन होता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि व धन आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत सुख समृद्धि का अभाव नहीं होता है। अगर आपके हाथ में धन नहीं टिकता या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण पाठ करना चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद खीर का भोग मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। मां लक्ष्मी को लाल और सफेद रंग अति प्रिय है। ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी के श्री सूक्त पाठ का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा कनक धरा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल बिंदी चुनरी चूड़ियां सहित अन्य 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाते समय रुई के बदले कलावा की बत्ती बनाकर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए शुक्रवार के दिन 5 लाल रंग के फूल को लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर इन्हें अलमारी या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शुक्रवार के दिन हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान के पहले मुख्य द्वार की सफाई करनी चाहिए। पानी में हल्दी डालकर घर में छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि यह पूर्णतया सत्य है, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अतः इन्हें पढ़ने से पहले अपने आप को सोच लेना चाहिए और तभी आप इनको प्रैक्टिकलों को करें। तो ये केवल आपके लिए जन रुचि के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। जन रुचि के आधार पर ये वीडियो को शेयर करें और अच्छे से काम करें। कर्म प्रधान होता है।